हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं इविलन, और आज इसके अंदर हम करने जा रहे हैं अपना फोर्थ चैलेंज, वो भी अपने मास्क का एक और पीस लेने के लिए। तो भाई चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना गेम। अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है डे वन। तो पहले तो अपने सीक्रेट रूम में जाते हैं, जल्दी से ये गेट खोलते हैं, और अब जल्दी से इस गेट को अंदर से बंद कर लेते हैं, और यहाँ पे वुडन प्लैंक भी लगा देते हैं ताकि नन यहाँ पे ना आ पाए। तो चलो अभी मैं आ चुका हूँ नीचे की साइड, एंड लास्ट टाइम ग्रेल फिर से उड़ के चला गया था इधर। गाइज इस ड्राइंग का भी कुछ मतलब होता है, देखो मैं आपको बाद में बताता हूँ। गाइज इस ड्राइंग में जो लिखा है ना, ये किसी बच्चे ने लिखा था, एंड पता नहीं भाई क्या है, मैं आपको ये बाद में समझा दूंगा। एंड ये ड्राइंग भी वही है भाई, इसमें भी किसी बच्चे ने कुछ लिखा था, पता नहीं भाई ये सब क्या है। एंड भाई ये वाली ड्राइंग भी मैं आपको बाद में बता ही दूंगा। चलो उसे छोड़ो, अभी हम फिलहाल तो आ चुके हैं बाहर, एंड बस यहाँ पे नैन आसपास ना घूम रही हो। अभी तो फिलहाल मुझे ऊपर जाना है ग्रेल को ढूंढने के लिए, और आई होप ग्रेल वहाँ पे मिल जाए। तो देखो क्रोबार तो मुझे अभी ही दिख गया है यहाँ पे नीचे, तो उसका जब यूज़ होगा मैं कर लूँगा। फिलहाल तो ये डोर खोलते हैं और यहाँ पे आगे की साइड चलते हैं। आई थिंक भाई ग्रेल यहीं पे होना चाहिए, मेरे को ज़्यादातर यहीं पे मिलता है यार। आज यहाँ पे नहीं है ग्रेल, क्या करूँ भाई। अब यहाँ पे पीछे की साइड भी नहीं है, अब ज़रा आगे चल के देखते हैं। अरे शिट भाई, साउंड कर दिया मैंने गलती से, नैन अब भाग के आएगी यार, अब मैं क्या करूँ। चलो ज़रा इस साइड पे देखते हैं। ओ भाई ग्रेल जैसा साउंड करता रहता है ना, मुझे वैसे ही साउंड आ रही है। एक सनसेट से ग्रेल यहाँ पे है, देखो भाई ये रहा ग्रेल। फाइनली मुझे ग्रेल मिल चुका है, अब बस ना। अरे भाई एकदम से कहाँ से आ गई है गाइस, मुझे तो पता भी नहीं चला है कहाँ से आ गई गाइस। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं आ चुका हूँ अपने सीक्रेट रूम में, यहाँ पे लगा दीजिए ग्रेल को, और अब देखते हैं हमें कौन सा मिशन मिलने जा रहा है। तो यहाँ पे एक और फोटो बन के आ चुकी है, एंड अब देखते हैं कि हमें कौन सा मिशन मिलेगा। एंड भाई यहाँ पे कोई, यहाँ पे एक स्केलेटन बना हुआ है, एंड इस मिशन का नाम है स्टैनिक रिचुअल, एंड मुझे यहाँ पे एक ब्लैक की मिली है, एंड मैं मुझे शायद से पता है कि इसका क्या यूज़ है। चलो मैं आपको भी बता दूँ। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर की साइड, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या यूज़ है। ऊपर की साइड पे जहाँ पे हम हमेशा नन को ट्रैप कर देते हैं। अरे भाई ये रही यार, नाम लेते ही दिख गई, जा 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 गाइस। हाँ तो गाइस मैं क्या कह रहा था कि ये जो ब्लैक की है ये मैं बताता हूँ कहाँ पर यूज़ होगी। अभी तो यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, और ऊपर जाके पहले तो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी ले आते ताकि मैं एक्स्ट्रा लॉक्स को हटा सके। तो भाई वो जो ब्लैक की है हम उसको लेके जिस रूम में हम वो फिश ट्रॉफी से ट्रैप करते हैं नन को हमेशा, तो वो वाली उस वाले रूम में एक डोर होता है जो हमेशा लॉक रहता है। तो इस वाले की से वो डोर खुल जाएगा, तो फिर पहले वो डोर खोल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे का बताता हूँ। फिलहाल तो मैंने इस इलेक्ट्रिसिटी पैनल में स्मॉल केबल तो लगा दिया है, तो अभी फिलहाल नीचे की साइड चलते हैं। बस ये नन भागी भागी ऊपर ना आ जाए यार, बाकी तो किसी चीज़ का डर नहीं है, बस यार नन का हमेशा डर रहता है। चलो अभी तो फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है, तो यही टाइम है अपनी ब्लैक की उठाने का। सामने ही है, अरे यार नन भी सामने ही है, ये भी भाग गई। चलो कोई ना यार, अब क्या ही कर सकते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ फिर से ऊपर, अरे नन यहाँ पे आई थी क्या, अरे यार फिर से आ रही है। चलो गाइस कोई बात नहीं, अब ज़रा इसको चकमा दे देते हैं और फिर देखते हैं कि यह क्या करेगी। तो गाइस मैं इस साइड आ जाता हूँ क्योंकि यहीं से घूमेगी, तो आ जा आ जा नन, आ जा। नहीं गाइस देखो यार, हमेशा मैं इसको यहीं पे पागल बनाता हूँ, और ये बन भी जाती है आराम से। चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे मैं नीचे आ चुका हूँ, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉक भी खोल दिए। अब बैठ के जल्दी से इस वाले रूम में चलते हैं कूद के, तो मैं भी कूद के इस वाले रूम में आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे कार्ड विथ फ़ोन नंबर नहीं आ रही है नीचे मुझे, तो इन ड्रॉर्स को देखते हैं। वो यहाँ पे एक कार्ड है, एंड यहाँ पे लॉकर कोड मिला है। ओ हाँ मुझे पता है कहाँ यूज़ होगा। गाइस आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो क्लासरूम्स होते हैं, क्लासरूम्स के पास में एक लॉकर होता है जो खुलता नहीं है, वो कोड मांगते हैं, तो आई थिंक यही है वो कोड। तो इसको जल्दी से वहाँ पे चल के यूज़ कर लेते हैं। तो अभी तो यहाँ पे क्लासरूम के अंदर जाते हैं, एंड अब आगे की साइड जाते हैं। बट हाँ यार अभी मेरे पीछे नन भी पड़ रखी है, तो भाई मेरे को ध्यान से रहना पड़ेगा। तो अभी तो इधर कहाँ पे वो लॉकर, चलो देखो ये रहा। तो अभी इसको मैंने खोल दिया है, एंड अब यहाँ पे मुझे मिली है सीजर्स। चलो नाइस,
सीजर्स से गाइस मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। तो पहले तो ज़रा मुझे बाहर की साइड जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पे गाइस ये जो ऊपर की साइड ना एक मूर्ति, मतलब मूर्ति कोई स्टैचू टाइप की एक चीज़ लटकी हुई है जिसके पीछे ईगल के पंख हैं। तो हमें पहले, और वो एक रस्सी से टंगी हुई है तो मेरे को वो रस्सी काटनी है। तो वो तो रस्सी काटने के लिए गाइस मैं अभी ऊपर भी आ चुका हूँ। पहले तो एक क्रैंक को थोड़ा सा खोल लेते हैं ताकि अगर मेरे को कभी भी नीचे जाना हो मैं यहाँ से नीचे चला जाऊँ। तो देखो ये थी वो रस्सी, इसको मैंने काट दिया है। नीचे नीचे वो गिर चुका है वो मूर्ति, तो उसके जो पंख है वो भी उसके साथ नीचे गिर गए। तो मुझे वो उठा के उस स्टैचू पे लगाना, उस स्केलेटन पे। तो भाई देखो यार, जैसे ही मैंने अभी सीजर्स फेंकी तो नागी भागे भागे। चलो कोई ना, अभी इसको जाने देते हैं फिर अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अभी आई थिंक वो जा चुकी है, तो यही टाइम है यहाँ से नीचे जाने का। गैस तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ से नीचे, एंड ये रहे वो पंख, तो इनको उठा लेते हैं एंड वो जो स्केलेटन है स्केलेटन की बॉडी पर लगा देते हैं। बट ये क्या, नन भी आ गई यार, अब क्या करूँ। चलो कोई बात नहीं गैस, अभी मैंने नन को चकमा दे दिया है और मैं उसे चकमा दे के आ चुका हूँ ऊपर। एंड अभी यहाँ पर ड्रॉप करता है ईगल के पंख। बस ये तो हो गया मेरा काम। अब मैं यहाँ से लिड से जाता हूँ नीचे, और नीचे जाता हूँ फिर नीचे जाके क्लासरूम की साइड्स पे निकलते हैं। तो यार, और मैं इस साइड से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यार जब मैंने पंख फेंके बहुत ज़्यादा साउंड हुआ है, तो नन तो अभी वहीं पे होगी। और मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पे नीचे की साइड क्लासरूम के आगे। तो देखो मैं आ चुका हूँ नीचे। अब यहाँ पे अगला सामान मुझे चाहिए एक गोट का हेड, तो मुझे कहाँ मिल सकता है गाइस? सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वॉशरूम के अंदर मिलने के, तो वॉशरूम को जल्दी से चेक कर लेते हैं। ये खोला, चलो अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली खाली। अरे यार यहाँ पे बाइबल है, बट ये अभी किसी काम की नहीं है। तो अभी ये वाला वॉशरूम खोलते हैं। यहाँ पे अरे 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 गोट्स हेड मिल गया, गोट्स हेड मिल गया मुझे। अब यहाँ पे मैं इसको लेके चलता हूँ आगे की साइड। एंड गाइस अभी मैं आ चुका हूँ इसको लेके यहाँ पे नीचे। एंड यहाँ पे पहले तो यार इसको तो मैं ले जाऊँगा गोट के हेड को, पहले मैं ब्लैक की उठाता हूँ। एंड अभी जल्दी से वो वाला रूम खोल देते हैं। तो अभी ये रहा वो वाला रूम, इसको गाइस अभी मैंने खोल दिया है, तो कीस को लगा देते हैं। एंड भाई लो भाई ये डोर खुल गया है। अब भाई देखो यहाँ पे आगे की साइड पे जो स्केलेटन है ना, इस स्केलेटन की बॉडी पे लगाना है सब कुछ। ये ईगल का विंग जो है इसको भी वहीं पे लगाना है। तो अभी यहाँ पे प्लैंक पे बैठ के चलते हैं आगे। एंड भाई यहाँ पे अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आ चुका हूँ नीचे। बाकी एक अपनी वाइट ब्लैंकेट बची है, उसको भी लेने आ चुका हूँ। तो यार नन आ गई, ब्लैंकेट नहीं मिली बट नन आ गई। चलो कोई बात नहीं। हाँ गाइस, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो स्केलेटन है ना, ये एक डेविल का है जिसकी नन पूजा करती है। तो अगर हम इसको कंप्लीट कर देंगे तो नन इसकी पूजा करने लगेगी और फिर हमें सीक्रेट नंबर मिलेगा। अरे अरे नन आ गई, अरे शेट मुझे मार दिया, ये क्या हुआ। चलो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट हो चुका है हमारा डे टू और हम निकलते हैं बाहर। तो भाई जैसा कि मैं कह रहा था, नन उसकी पूजा करने लगेगी एंड फिर हमें मिलेगा एक सीक्रेट कोड जिससे हमें मिल गया मास्क का पीस। तो चलो उसे छोड़ो, अब यहाँ पे मैंने अपना क्रोबार भी उठा लिया है। अब इस क्रोबार को लेके चलते हैं यहाँ पे वॉशरूम की साइड पे। एंड अभी यहाँ पे सामने की साइड पे जो प्लैंक्स हैं इनको निकालते हैं। तो पहले नेल को हटाया, इस वाले नेल को भी जल्दी से हटा देता हूँ, इसको भी हटाया। एंड अब इस क्रोबार को लेके जाता हूँ यहाँ पे। एंड गाइस मैंने अब इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अगर मैं उसको वॉशरूम के अंदर ड्रॉप करता तो नन यहीं पे भाग के आ जाती, पर अभी मैंने बाहर ड्रॉप किया है तो नन बाहर ही होगी। और ये क्या भाई, मैं इस साइड आया था एंड भाई मुझे, भाई क्या लक है यार, मुझे वाइट ब्लैंकेट मिल गया। चलो गाइस कोई ना, अभी जल्दी से डोर खोलते हैं, अब जल्दी से स्केलेटन को सब कुछ पहना देते हैं। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे पहना दिया है पहली चीज़ वाइट ब्लैंकेट, उसके बाद ये रे ईगल के विंग, तो इनको भी यहाँ पे पहना देते हैं और अब चलते हैं आगे। भाई नन आ गई, भागो भाई, कितना तेज चिल्लाती है, कान में खून आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी जल्दी से खड़े होते हैं और भागते आगे की साइड। गाइस अभी मैं लिड में पता नहीं कहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, बट यार नन अभी पीछे पड़ गई थी गलत वाला, चलो वो तो मैं बच चुका हूँ। तो अभी आगे की साइड गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे वापस से स्टेयर्स के पास।
तो एक गोट का हेड उठाते हैं फिर से एंड इस हेड को आप लगा देते हैं स्केलेटन पे। बट हाँ, अब यहाँ पे नन नहीं होनी चाहिए। लो भाई अभी यहाँ पे नन नहीं है, तो जल्दी से इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। लो भाई हो गया, अब नन इसकी पूजा करने आएगी। मैं यहाँ पे जल्दी से छुप जाता हूँ और देखता हूँ कब आएगी। गाइस यार मैं यहाँ पे बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, वो आई ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कब आएगी, वो आई ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ज़रा फिश वाली ट्रॉफी साउंड करता हूँ। अब तो वो पक्का आएगी, अब तो मेरे से लिख के ले लो भाई, अब तो उसे आने के लिए। यार अगर नहीं आई ना तो भाई कुछ तो हुआ है उसके साथ। तो गाइस यार मैं बहुत देर से नन को ढूंढ रहा हूँ, वो अभी तक नहीं आ रही यार। ओ गाइस मेरे को शायद से याद आया कि जब हम भागे थे, हम लिड के अंदर से भागे थे, तो जितना मुझे याद है वो भी हमारे पीछे लिड में भागी थी। तो इसका मतलब शायद से वो भी लिड के अंदर फंस गई है। गाइस मुझे पता नहीं है, पर हाँ एक काम करते हैं, अगर वो फंस गई है तो उसको ज़रा देख के आते हैं। पर हाँ वो तो एक बार देख लेंगे, ज़रा पहले स्कूल में चेक करते हैं वो कहाँ पे है अभी फ़िलहाल। तो गाइस पहले काम कर दो, मैं लिड में ही देखता हूँ, क्या पता वो लिड में ही फंस गई। ओ भाई अरे कहाँ पे घुस गई, अरे नन बहन कहाँ पे घुस गई तू। गाइस ये तो मुझे भी कुछ नहीं कर रही। लो भाई क्या हो गया। गाइस तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसे तो निकलने नहीं वाली, मुझे लगता है दूसरी साइड से आना पड़ेगा और इसे नीचे से धक्का लगा के ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। चलो यही देखते हैं, क्योंकि यार अगर ये बाहर नहीं निकली हमें कोड नहीं मिलेगा। तो चलते हैं गाइस। यार अभी मैं दूसरी साइड वाले लिड के अंदर आ चुका हूँ एंड इस लिड के अंदर सब जाते हैं सीधा नन के पास एंड उसको धक्का लगा के ऊपर की साइड पहुँचाते हैं। बट हाँ यार कहीं ऐसा ही ना हो जाए वो मेरे को देख के नीचे आ जाए। चलो कोई ना, वो नीचे तो नहीं आई, पर चलो अब उसको धक्का लगाते हैं। आ जा। गाइस ये चढ़ ही नहीं रही, इतनी देर से कंधा दे के चढ़ा रहा हूँ मैं इसको, चढ़ने का नाम ही नहीं ले रही यार। चलो कोई ना, थोड़ा सा तो अभी ऊपर गई है, तो भाई देखो आए ऊपर तो जा रही है आराम आराम से बिल्कुल। तो अब मैं इसको और भी ऊपर पहुँचाता हूँ। चल नन चल, परेशान मत कर, चल 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 चल। अरे भाई मेरे को मार दिया, आज के टाइम पे तो भलाई का ज़माना ही नहीं है भाई। मैंने उसको बचाया, उसी ने मेरे को मार दिया, बताओ यार। चलो कोई बात नहीं, हमारा लास्ट डे है एंड भाई कुछ नहीं होने वाला यार, अभी तो हमारा हो जाए वाले मिशन, क्योंकि हमने उसको वो जो अटैक रखी थी हमने उसको निकाल दिया है। एंड अब जितना मुझे पता है मैं फ़िश वाली ट्रॉफी को फेंकता हूँ एंड जैसे ही फेंकूँगा वो आ जाएगी। तो नन आ जा। अरे यार ये तो बिना ट्रॉफी के ही आ गई। चलो मैं जल्दी से भाग के छुप जाता हूँ। तो लो भाई मैं तो अभी छुप चुका हूँ, देखो वो भी आ चुकी है एंड अब वो देखो पूजा करने लग गई है एंड अब वो मुझे कुछ भी नहीं करेगी। तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं, आगे की साइड चलते हैं। एंड देखो यहाँ पे कोड आ गया 7468, ठीक है ये वाला कोड हमें याद रखना है। एंड अब ये जो 7468 है, जिस रूम में हमें हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा बार ही हमें वहाँ पे बाइबल जब मिलती है, तो उसी रूम के लेफ्ट साइड में एक और रूम है, हमें उस वाले रूम में जाके कोड लगाना है, क्योंकि वो कोड मांगते हैं वो वाला रूम एंटर होने के लिए। तो हमारा कोड है, क्या कोड था यार मैं भूल गया, ज़रा याद करो गाइस। आई थिंक कोड होगा 7468, हाँ गाइस 7468 यही था, मैं भूल गया था। चलो अब खोल देते हैं इसको, तो ये मैंने खोल दिया है डोर एंड अब यहाँ पे हमें मिल चुका है मास्क का एक और पीस। चलो इसको लेके चलते हैं। तो गाइस अभी मैं इस मास्क के पीस को लेके आ चुका हूँ यहाँ पे अपनी सीक्रेट प्लेस पे, और जल्दी से यहाँ पे वुडन प्लैंक लगाते थे एंड अब चलते हैं नीचे की साइड। अब यहाँ पे देखते हैं जल्दी से अपना फोर्थ मास्क का पीस लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया अपना फोर्थ मास्क का पीस। तो गाइस ग्रेल भी अब उड़ चुका है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।